डोईवाला शुगर मिल का पेराई सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसका कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कहा कि आज पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस लगातार किसानों की आवाज उठा रही है और गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रही है। कांग्रेस ने बस्ती आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग की है, जिसको लेकर किसानों और कांग्रेस ने मिल गेट पर धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस नेता सागर मनवाल ने कहा कि महंगाई हर दिन बढ़ रही है और अधिकारियों के वेतन में भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन किसान को उसकी लागत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जिस पर सरकार को सोचने की जरूरत है। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हर साल पेराई सत्र शुरू किया जाता है, मगर गन्ना मूल्य हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या मिलेगा। तो हमारी मांग है कि कम से कम 500 रुपए का रेट तय किया जाए किसानों के लिए, और आधा सीजन बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी पर्ची में 0-0 लिखा हुआ आता है। तो गन्ना मूल्य तुरंत घोषित किया जाना चाहिए, 500 रुपए की हमारी मांग है। दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि अभी पूरे डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था किसानों के द्वारा, सड़क पर किसान कई दिन निकले और सिर्फ मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने की वजह से किसानों पर केस दर्ज किया गया। सरकार तो लीपापोती करके बंद कर रही है बिल्कुल, वो तो सरकार किसान की आवाज को दबा देना चाह रही है। पत्रकार बंधु, मैं आपको बताऊं कि 12 महीने में फसल किसान ने तैयार की अपनी, और बड़ा उत्साह हमें था कि शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन होने जा रहा है, सरकार गन्ने के रेट में कुछ वृद्धि करेगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है गन्ने के रेट में कोई वृद्धि नहीं। और इन मंत्रियों को, सरकार को सोचना चाहिए किसानों के लिए। आप क्या कर रहे हैं, उद्घाटन करने तो आ रहे हैं, कोई रेट का तो बताएं। हमारी जो लेबर है वो प्रति क्विंटल 10-10, 15-15 रुपए फालतू मांग रही है, छिलाई क्या, और प्रत्येक चीज का रेट बढ़ा है। गन्ने का रेट वही 0/0 है, गन्ने का रेट वही पिछले साल वाला है। और जो किसानों पे अपने क्षेत्र को बचाने हुए यहाँ जो धरना प्रदर्शन किया गया था शांतिपूर्वक, जो किसानों पे मुकदमे किए हैं, उनकी वापसी की मांग किसान कर रहा है।